सो गाइस आज है हमारा इवेंट और सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। प्रदीप, मम्मी, पापा, सब लोग की ड्रेसेस रेडी है? रेडी, सबकी रेडी। मेरी रेडी नहीं है अभी। क्यों? तुम्हारी? मुझे अपनी एक शर्ट पहननी है। मेरा आयरन होना बाकी है। आयरन, हम लोग यहाँ स्टीम आयरन आए हुए हैं। हमारी जी के लिए, मम्मी के लिए और पापा वालों को ऐसे पहन लेंगे। अरे क्यों पापा, हम लोग को भी तो आयरन करना पड़ेगा। आप आयरन है ऑलरेडी? अच्छा, आयरन है, हम लोग शोरूम से करा के लाए हैं। ओके, तो गाइस अब हम लोग रेडी हो रहे हैं। प्रतीक जी का कुछ काम चल रहा है शोरूम का। और मम्मी क्या पहन रही हैं आज? आप थोड़ा अपने ड्रेस के ऊपर लाइट डालिए, सस्पेंस कलर बता दीजिए। अच्छा, सेलिब्रिटी ड्रेसेस है। सेलिब्रिटी? ओहो, कहां से आई हैं? सनलुक फैशन। तो गाइस आप लोग एंड तक बने रहिए मम्मी की ड्रेस देखने के लिए और हम सबका लुक देखने के लिए। और प्रतीक जाओ, ये क्या है, खाल बना रखा है ये कब सही होगा ये सब? बस गाइस मैं ऐसे करूंगा और पर किस चेंज भी आपको दिखाता हूं कैसे होता। तो अभी हम लोग जाते हैं और जल्दी से विल गेट सेट गोइंग। एंड मेरा जो सैलून है, मेकअप है, वो कोई करने आएगा, मॉम का भी करने आएगा घर पर ही, तो सब हम आपको दिखाएंगे। और ड्रेस का ग्लिम्स भी अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। सो गाइज, अ लॉट ऑफ यू आर कन्फ्यूज, जैसे कि मैंने प्रीवियस व्लॉग के कमेंट्स पढ़े एंड आप लोग में से बहुत लोग कन्फ्यूज थे कि आप तो रामनगर में शादी कर रहे थे एंड यहाँ पे क्या हो रहा है। सो दिस इज़ द फंक्शन विच इज़ गिवन फॉर द लोकलाइट्स बाय माई मदर्स साइड। तो जो मेरी मॉम है वो ही ऑर्गेनाइज कर रही है फंक्शन, छोटा सा गेट टुगेदर, बिकॉज हम सबको रामनगर में मैरिज में नहीं ले पाएंगे। सो दिस इज़ प्री वेडिंग सेलिब्रेशन यू कैन से। तो या गाइज, इसीलिए ये एक फंक्शन रखा गया है। तो अभी मैं जल्दी से नहा धो लेती हूँ, नाइन गुना स्लीप कर, रात को मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई है। और आज गुरु पूर्णिमा का भी दिन है, सो इट इज़ अ वेरी वेरी शुभ दिन, शुभ मुहूर्त, तो ये बहुत अच्छी बात है। और सो मेकअप आर्टिस्ट आर टू अराइव, आई डोंट नो, बहुत एंगजाइटी होने लगती है जब कोई इवेंट होता है, तो वो भी मेरे को नींद भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, एंड लाइक आई वांट टू स्लीप वेटिंग फॉर द मेकअप आर्टिस्ट। नाउ ऑल द प्रिपरेशंस इज डन एंड जस्ट स्टार्टिंग अप विथ माय मेकअप। सो अभिजीत सर इज गोइंग टू डू माय मेकअप टुडे। तो ऋषि की एंगेजमेंट पे सर मतलब हमारे मेकअप कर चुके हैं पहले, सो लेट्स सी हाउ दिस मेकअप टर्न्स आउट टू बी। हम क्या हेयर स्टाइल बनाने वाले हैं? बन, क्या हेयर बन बनाने वाले गाइस। तो थैंक यू सर, आपने बहुत अच्छा मेकअप किया। जल्दी जल्दी हरी में उनको मॉम का भी मेकअप करना है, तो मैं मॉम का भी दिखाऊंगी, बट आई एम सुपर सुपर इम्प्रेस्ड विद द हेयर स्टाइल, आई एम लविंग इट। हालांकि मैं इनसे पहले भी करा चुकी हूँ, बट ही डिडंट डिसअपॉइंट हिम, सो आई एम सो हैप्पी। तो प्रतीक इज और प्रतीक देखो, अरे देखो ना, दो घंटे मेरे भी बाल देखो ना गाइस, मैं भी गाइस पार्टी का टाइम हो चुका है। हाउ यू लुकिंग प्रतीक? लुक एट माय हेयर स्टाइल, आई लव इट, वेरी प्रीटी लाइक अ एंजल। और मतलब इतनी खूबसूरत लग रही हो, मेरे पास शब्द नहीं है। हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रही है, हेयर स्टाइल भी अच्छा लग रहा है, तुम्हारे जो आईलैशेस जो बढ़ गए हैं वो अच्छे लग रहे हैं। बट मेरा मेकअप आर्टिस्ट, माय मेकअप आर्टिस्ट वाज सेइंग कि आपके आईलैशेस नेचुरली बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हो गए आफ्टर मीटिंग दी। ओहो, ये तो मैंने भी देखा है। हां, और प्रतीक सहदा कितना चमक रहे हो, क्या क्या कराया बेटा? मैंने कुछ नहीं कराया, बस तुम्हारे प्यार। गाइस अगर आपके इंस्टाग्राम पे ये एडेड हो तो आपको पता होगा इससे क्या करवाया है, क्योंकि इसने कुछ डाला है शायद। तो अब लोग टाइम नहीं वेस्ट करते, बिकॉज बहुत कम टाइम है। So guys, I'm kind of obsessed with my look and I'm ready. I'm not gonna show you my outfit for now. अभी मैं पूरा लुक आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगी, जो कि पूरा फंक्शन लुक होगा। और प्रतीक का भी लुक नहीं दिखाऊंगी, इस लुक की dope as hell, he is looking very good. In between I'm having this pumpkin seeds, feeling damn hungry guys. aapko mera hairstyle dekhna hai, dekho next video ka wait karna, you are going to love it. abhi maine lipstick nahi lagayi hai and bahut sari cheeze hai,
बट या लुक एट माय हेयर स्टाइल, इट इज लुकिंग सो डोप. एंड नीचे चलते हैं, पहले मॉम को देखते हैं और डैड को देखते हैं, व्हाट आर दे वेयरिंग. गाइस व्हाट्स अप, जैसे कि आपको मालूम है निशी अपने ड्रेस रिवील नहीं कर रही है, तो मैं भी क्यों करूं, मेरा भी कंपटीशन बनता है भाई, मैं भी अपने ड्रेस पार्ट में दिखाऊंगा. सो मॉम इज लाइक, कुछ तो बताओ जनता को, हम लोग कर के आ रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. तो मम्मी कैसे हो गई कैमरा फेसिंग. सो मॉम आप रेडी हो चुके हो अभी? आपकी ड्रेस आपको अच्छी लग रही है? बहुत अच्छी है. आप खुद को अच्छे लग रहे हो? बहुत अच्छी. मैं तो डैड से पूछूं, डैड कैसी लग रही है मॉम? मतलब बाकी पार्टी के बाद कुछ होता है ऐसा, क्या बाकी है, क्या होगा उसके बाद? ऐसा क्या राज है जो आप छुपा रहे हैं हमारे ग्रेस विद फैशन के चाहने वालों से? उसके लिए आपको शादी करनी पड़ेगी. सो मम्मी पापा ने तो तारीफ कर दिया आपकी, अब आप पापा के लिए कुछ कहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? पापा तो बहुत अच्छे हैं, हैंडसम है, चार्मिंग है. लेकिन फिर एज ढल गए, फिर एज ढल गया ना काफी, एज बढ़ती जा रही, तो थोड़े बुढ़ा गए ना शायद. अभी भी वैसे ही है. नहीं डैड तो है ही अच्छे और आप भी अच्छे हो, तो फिर चला जाए अपना डेस्टिनेशन रामनगर. चलो अब जल्दी चलते. मैं सोच रहा हूँ कि आपको सरप्राइज दे दूँ कि हम रामनगर जा रहे हैं सीधे अभी बोल के. जल्दी चलते अब जल्दी जल्दी चलेंगे गाइस. और अभी हम लोग लेते हैं मज़े सेलिब्रेशंस के जो लखनऊ में हैं, उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे रामनगर. Guys, we are leaving. We are all set to leave, and bus ab ja rahe hain. And ab main yahi pe vlog end kar rahi hu because aage ab hum log busy ho jayenge, so I couldn't be able to vlog. Beech beech mein hoga, so I can show you the scenes and everything. But now I am ending. Aap function ka wait karna, aapko pure outfit and how is everybody looking, mom, dad, Himanshi, Rishi, sab jaldi pata chalega. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. And I'll keep coming back with more such kind of videos. Bye. Guys, meet my chachi. ये सब मेरी vlogs देखती है. आपको show off, सब vlogs देखते हैं आप लोग? हम लोग भी तो family group पे message आता है कि अरे पिछली गलती का vlog है, पिछली गलती का vlog. मेरे husband में नहीं आता, तुरंत पूछती हूँ कि आया, आपने देखा है कि नहीं देखा. क्या करते हैं नीचे laptop में भाग के जाते हैं, छोटी screen पे बड़ी screen पे देखते हैं. गाइज रामनगर वाली मैरिज इज ड्यू और इससे ज्यादा डबल धमाल होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड. वो इधर आएगा, सेट हुआ. गाइज कैसे रही पार्टी?